Madam Speaker Sahiba, here I want to move a resolution under the rule of 256. Okay, you are allowed. Thank you, Madam Speaker. This House resolves and recommends that the government of Sindh to approach the federal government to withdraw and abolish its deep sea fishing licensing policy 2018. Copies दे रहे हैं? Copy दिए हैं. इसकी copies आपको देते हैं? आप copy नहीं है तो आप सुन लें. मैं पढ़ रहा हूँ आप सुन लें. Which is violation of the constitution following 18th amendment and encroachment on the livelihood of an estimated 1.6 million poor fishermen of Sindh as well as Balochistan, and an open disregard to the assembly by food agriculture organization that more than 72% of the fishing stock in coastal area of Pakistan has already declined. Okay, Madam Speaker, regulation of Fishing Act 1975 के तहत फेडरल गवर्नमेंट की पास था जून 3 में फिशिंग की लाइसेंस की इजरा फेडरल गवर्नमेंट करता था 18वें अमेंडमेंट से पहले. जून 1 हम उस जून को बोलते हैं जो 12 नॉटिकल मील के ऊपर होता है समंदर में. जून 2 20 नॉटिकल मील पे होता है और जून 3 फ्रॉम 20 टू 200 नॉटिकल मील पे जून 3 होता है. 18वें तरमीम के बाद फिशरीज की टोटल इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास आ गए. तो अब ये लाइसेंस इशू करने का इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास होना चाहिए. इसलिए थ्रू दिस ऑगस्ट हाउस हम ये रेजोल्यूशन पेश करते हैं कि ये इख्तियार सिंध गवर्नमेंट को दिया जाए और ये सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार है. 18वें तरमीम के बाद पिछले फेडरल गवर्नमेंट ने 24 अप्रैल 2018 में एक एक्ट अप्रूवल की जिसकी तहत जून 3 में यानी फ्रॉम 20 नॉटिकल मील टू 200 नॉटिकल मील ये फिशिंग की लाइसेंस टाइम्स मेरीन जैसे इदारों को दिए गए हैं जिसमें चाइनीज और कोरियन कंपनीज इन्वॉल्व हैं. उनके पास फिशिंग का जो तरीकाकार है उस तरीकाकार के मुताबिक फिशिंग करते हुए वो जो फिश की सीड्स हैं जिससे उसकी बच्चे फूटते हैं जिससे उसकी नस्ल का अफजाइश होता है उस सीड तक उस नेट में आते हैं जिसकी वजह से इस मछली की टोटल नस्ल कुशी भी की जा रही है. और साथ साथ अब से लेके बदीन जीरो पॉइंट तक सिंध की माहीगीर ये सफर कर रहा है बेरोजगार हो रहा है. इस जो पीटल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू कर रहा है टाइम्स मेरिन को कोरियन और चाइनीज कंपनीज को उसकी वजह से सिंध का माहीगीर सिंध का मला वो तकलीफ में है और वो बेरोजगार हो रहा है क्योंकि उसकी रोजगार का वाहिद वसीला ये समुद्री मछली का शिकार है उसकी वजह से वो बेरोजगार हो रहा है. मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि अगर आप नए पाकिस्तान में लोगों को नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम पुराने पाकिस्तान की इन पुराने माहीगीरों की जो रोजगार का जरिया है वो आप मत छीनें. तो मैडम स्पीकर इस जो फिशरमैन हमारे सूबे सिंध की मुतासर हैं वो 1.6 मिलियन जो फिशरमैन है जो बेरोजगार है. तो इसलिए मैं
एक दफा फिर इस अगस्त हाउस से ये रिक्वेस्ट करता हूं, यकीनन सारे सिंध की बासी बैठे हुए हैं और ये सिंध की माईगरों का मसला है। मेरे ख्याल में इस हाउस का एक ही आवाज होना चाहिए कि ये फिशिंग लाइसेंस की अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट को दिया जाए। थैंक यू मैडम स्पीकर।